लखनऊ को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ साप्ताहिक राशि पर। सबसे पहले सप्ताह के मुख्य त्यौहार। तारीख 27 दिन मंगलवार, एकादशी है तो एकादशी की पूजा जरूर होनी चाहिए। खास तौर से ये एकादशी आपको पापों से मुक्ति देती है, तो इसलिए आपको नारायण कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। 30 तारीख को शरद पूर्णिमा है, एक शुभ दिन है। निश्चित तौर पर पवित्र नदी का स्नान, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करिएगा, लाभ मिलेगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं मेष से मीन के राशिफल का। मेष राशि वालों, सर्वप्रथम आपके अगर राशिफल की बात करें तो निश्चित तौर पर कारोबार व्यवसाय में तरक्की लेके आया ये सप्ताह। नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आएगा। सडन धन प्राप्ति के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन बात करें तो जीवन साथी के साथ सहयोग खूब मिलेगा। आपसी रिश्ते मधुर होंगे, बेहतर होंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। शत्रुओं की बात करें तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इस सप्ताह। स्वास्थ्य के मामलों में जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सरदर्द रिलेटेड चीज़ या पेट की समस्या दिक्कत दे सकती है। शुभ तारीख की बात करूं तो 26 रहेगी इस सप्ताह। इस सप्ताह का महा उपाय की बात करूं तो आपको हनुमान कवच का पाठ करना है। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तरक्की होगी व्यापार में, नौकरी में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, आने वाला समय बेहतर रहेगा। धन के मामलों में शेयर मार्केट से लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं, कोई पुराना कर्जा वापस मिल सकता है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत तकरार बढ़ेगी, ससुराल पक्ष से तकरार बढ़ सकती है, थोड़ा फोकस रखने की जरूरत है। उसी के साथ साथ आपको खास तौर से अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। मूत्र जनित रोग, किडनी रिलेटेड स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, रोग हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा फोकस रखना है। शुभ तारीख की बात करूँ 28 और 29 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करें, स्नान के साथ साथ शिव जी का पूजन करें, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो निश्चित तौर पर कैरियर व्यवसाय में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं, कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ओहदेदार व्यक्ति आपको लाभ पहुँचाएगा, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति आपको लाभ पहुँचाएगा, राजनीतिक लाभ मिलने के भी संकेत हैं। धन के मामलों में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल की ज़रूरत है, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा बहुत क्लेश बढ़ेगा, घर में मानसिक शांति की कमी रहेगी, उस वजह से आपका मन अप्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, पूर्णतया स्वस्थ दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ तारीख की बात करो 27 और 28 इस सप्ताह रहेगी। महा उपाय, हरा चारा गाय को खिला दीजिए, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कैरियर और व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, कहीं ना कहीं कैरियर व्यवसाय में आपको कोई बड़ा फायदा इस सप्ताह हो सकता है। धन के मामलों में थोड़ा सा एहतियात रखना है, किसी को कर्ज ना लेना है ना देना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पत्नी और बच्चों के साथ कहीं इंजॉय करने घूमने बाहर जा सकते हैं। अब बात करें खासतौर से आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में घुटनों की समस्या हो सकती है, थोड़ा फोकस रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो 26 और 28 रहेंगे। महा उपाय, आपको निश्चित तौर पर शिव स्त्रोत का पाठ करना है। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले। कैरियर और व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कत बढ़ सकती है, कैरियर और व्यवसाय में आसान रूप सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन के मामलों में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नुकसान धन के मामलों में हो सकता है, तो धन खर्च करते समय ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में माता पिता से मतभेद उभर सकते हैं, बच्चे के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, इस सप्ताह थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। शुभ तारीख की बात करूँ 28 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूँ, ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का पाठ रोज करना है 12 बार। इस सप्ताह भागों को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में कुछ अवरोध आएंगे, कुछ बाधाएं आएंगी, आसानी से कार्य पूर्ण नहीं होंगे, बना बनाया काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा, बिगड़ जाएगा। धन के मामलों में किसी को ना कर्ज लेना है ना देना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है, शरीर पे भी धन खर्च हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अब बात करें आपके धन के मामलों की, तो धन का मामला एवरेज है ओवरऑल। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, एक दूसरे का खूब सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा बहुत सरदर्द की समस्या, पेट दर्द की समस्या हो सकती है, उस पर फोकस रखिएगा। शुभ तारीख 29 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय, खास तौर से किसी किन्नर को कुछ दान दे दीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं भाई तुला राशि वाले की। कैरियर और व्यवसाय की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। आपको कोई लाभ मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, पुराना इन्वेस्ट किया हुआ धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धन भी आसानी से आता रहेगा। अब बात करें खासतौर से पारिवारिक जीवन की, खुशहाल रहेगा, एक दूसरे का पति पत्नी का प्रेम प्रेम का खूब सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा फोकस रखना है, किडनी स्टोन वगैरह कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। शुभ तारीख की बात करूं 28 रहेगी। शुभ कलर की बात करूं स्काई ब्लू रहेगा। महा उपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर आपको महानवमी की विशेष पूजा करनी है, जिससे आपको लाभ मिलेगा और दशहरा की भी अच्छे से पूजा जरूर कर लीजिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले। कैरियर और व्यवसाय में उठा पटक होगी, कैरियर और व्यवसाय में कोई काम बिगड़ जाएगा, शत्रु हावी रहेंगे, कलीग्स आपका नुकसान करने पे आमादा रहेंगे। धन के मामलों में थोड़ा सा एहतियात रखना है, पैतृक संपत्ति विवादों में फंस सकती है, किसी से विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से भी नुकसान हो सकता है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल मची रहेगी, आने वाला समय बेहतर नहीं रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की समस्या, पैर दर्द, पैरों के दर्द की समस्या, पिंडलियों की समस्या हो सकती है। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह 30 तारीख रहेगी। महा उपाय की बात करूं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5। अब बात कर लेते हैं धनुराशि वाले की। कैरियर और व्यवसाय में काम नहीं बनेंगे, कैरियर और व्यवसाय में खास तौर से कोई रुकावट आएगी, कारोबार में नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी डील नहीं साइन करिएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो टाल दीजिए कुछ समय के लिए, तो बेहतर रहेगा। धन के मामलों में उठापटक रहेगी, कहीं धन फंसता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, बच्चे आपका प्राइड का कहीं ना कहीं वजह बनेंगे। स्वास्थ्य के मामलों की बात करूँ तो घुटनों की समस्या या फिर खास तौर से नसों की समस्या हो सकती है, फोकस रखिए। शुभ तारीख की बात करूँ 28 रहेगी। महा उपाय की बात करूँ तो बृहस्पति देव की पूजा या नारायण कवच का पाठ लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए कैरियर और व्यवसाय में थोड़े बहुत लाभ की संभावना इस सप्ताह बनती दिख रही है, लेकिन आपको हर कदम उठाने से पहले किसी से सलाह लेना जरूरी है। धन के मामलों में निश्चित तौर पर धनहानी के संकेत मिल रहे हैं, चोरी हो सकता है, थोड़ा फोकस रखिए। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी अनबन हो सकती है, घर में क्लेश बढ़ सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो माइग्रेन उठ सकता है, उस पर फोकस रखिएगा। शुभ तारीख 26-27 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय, शनि चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में तरक्की के योग हैं, कैरियर और व्यवसाय में नौकरी बदलने के योग हैं, जिसमें लाभ मिलेगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से सबकार पूर्ण होते दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्या आ सकती है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों। तो मीन राशि वालों, कैरियर और व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, कोई व्यक्ति आपको लाभ पहुँचाएगा, आपकी तारीफ करेगा। धन के मामलों में आसानी से धन सुचारू रूप से आता रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं खास तौर से पारिवारिक जीवन की, खुशहाल रहेगा, पति पत्नी बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है सप्ताह की शुरुआत, सोमवार मंगलवार तक, उसके बाद वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। शुभ तारीख 28 रहेगी। महा उपाय, खास तौर से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रहेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।